कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पे हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं, और जो आपके यहाँ पे इंग्लिश का पेपर है वो तो आपका हो चुका है, और साथ ही जो आपका हम यहाँ पे हिंदी का पेपर लेके आ चुके हैं तो पूरा पेपर आपका आ चुका है हिंदी का। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए त्रैमासिक परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं विषय हिंदी। ठीक है, पूरा आपका 75 नंबर का रहने वाला है, समय आपका 3 घंटे का रहेगा। पूरा पेपर आपका आ चुका है, निर्देश आते सही प्रश्न करना हल करना अनिवार्य है, और दूसरा प्रश्न की मांग 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए यहाँ पर 30 अंक निर्धारित है, और तीसरा प्रश्न की मांग 6 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, शब्द सीमा 30 शब्द है। ठीक है, आपके यहाँ पर निर्देश आते तो निर्देश पढ़ लीजिए। ठीक है, अब चलिए जो आपके यहाँ पर हिंदी के पेपर वो देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। ठीक है, और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड कर रहे थे कि हिंदी का पेपर, आप लोगों का फाइनली हिंदी पे आ चुका है, तो आप यहाँ पर देखते हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो आपका आता रीतिकाल, बाता आदिकाल, सात भक्तिकाल और दात आधुनिक काल, तो हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर आ हो जाएगा। ठीक है, पहले का आपका यहाँ पर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा रीतिकाल। आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका यहाँ पर आता है छायावाद की प्रतिनिधि कवि हैं, तो आपका आता जयशंकर प्रसाद बात है ऋतुराज, सात सूरदास और दादा धर्मवीर भारती, तो यहाँ पर छायावाद की प्रतिनिधि कवि है आपका, इसका करेक्ट आंसर आ हो जाएगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। अब तीसरा था काव्य के भेद होते हैं, तो आपका आता 1, 2 और 7, 3 और 4, तो जो यहाँ पर काव्य के भेद होते हैं वो आपके यहाँ पर 2 होते हैं। फिर आपके यहाँ पर आता चौथा नेताजी के चश्मा पाठ की विधा, तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना जिससे पूरे ऑब्जेक्टिव वो आपको यहीं पर याद कर लेने, तो आपका इसका ऑप्शन आ आता एकांकी, बा आता निबंध, सा आता व्यंग और दा आता कहानी, तो यहाँ पर नेताजी के चश्मा पाठ की विधा आपकी कहानी, तो आपका चौथे का 10 करेक्ट आंसर रहेगा। पाँचवा आता जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं, तो आपका आता रीति विशेषण, बा आता जाति विशेषण और सात क्रिया विशेषण और दा आता इनमें से कोई नहीं, तो जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं आपका क्रिया विशेषण, आपका पाँचवीं का करेक्ट आंसर रहेगा। छठवां आता भोलानाथ का असल में नाम था, तो आपका आता तारकेश्वरनाथ, बा आता अमरनाथ, सात केदारनाथ और दा आता बद्रीनाथ, तो यहाँ भोलानाथ का असल में नाम था आपका यहाँ पर तारकेश्वरनाथ, छठवें का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 6 नंबर के जो यहाँ पर सही विकल्प वो हमने यहाँ पर कम्प्लीट करा दिए। अब चलिए आपका प्रश्न 2 आता है, लिखित पूर्ति कीजिए, 6 नंबर के आते हैं। पहला आता सूर्य की भक्ति डोंडर भाव की है, तो इसमें आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, शंख भाव, और दूसरा आता गोपियाँ अधवा को डोंडर मानती हैं, तो इसमें आपका जाएगा बड़भागी। ठीक है, फिर तीसरा आता लय ताल छंद से आदि से मुक्त रचना डोंडर कहलाती है, तो इसमें आपका जाएगा पद्य। फिर आपका आता है जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता तब बात छोटा, तो इसमें आपका आ जाएगा यहाँ पर कर्मवाच। फिर आपका पांचवा आता भोलानाथ उनके साथी डोंडर की बिल के पानी उलूटने लगे, तो इसमें आपका यहाँ पर क्या रहेगा, चूहों। ठीक है, चूहों के यहाँ पर देख लीजिए, चूहों की बिल के पानी उलूटने लगे। और छठवां आता चौपाई की प्रति चरण में डोंडर मात्रा होती है, तो इसमें आंसर रहेगा 16 मात्राएँ। ठीक है, तो पहले में आपका शंखवाद, दूसरे में आपका बड़भागी, तीसरे में आपका पद रहेगा, चौथे में आपका कर्मवाच और पाँचवें में आपका चूहों और छः में आपका सुलह माँ। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो रेगिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं, जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सही जोड़ी। ठीक है, तो आप यहाँ पर सही जोड़ी बनाइए, आपकी 6 नंबर की आती है, कुलम अब्बा में आपकी दी गई सही जोड़ी। पहली आती आत्मकथ, तो इसे आपको यात्रा वृतांत से मैच करनी है, 3 वर्णों का मेल, तो आपका यहाँ पर, ठीक है, 3 वर्णों के मेल आपका गण हो जाएगा। और एकमात्र सहारे के लिए मुहावरा है अंधे की लाठी, और अलंकार आपकी हो जाएगी आभूषण, और कैप्टन चश्मे वाला प्रतिमा व चश्मा मैच कर देनी है, और साना साना हाथ जोड़ी इसे मैच करना जयशंकर प्रसाद से। तो हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए, कौन में आपको कौन सी मैच करना, तो स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं, शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, 6 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आपको दिखाते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया है गोपियों के अनुसार राजा धर्म क्या है, तो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, यहाँ पर नीति से राजा धर्म चलाना पहले का आंसर। ठीक है, पहले आप यहाँ पर सुन लीजिए, फिर आपको हम दिखा देंगे। दूसरा आता रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा, तो यहाँ पर रामचरितमानस का प्रमुख छंद आपका चौपाई है, दूसरे का आंसर आपको चौपाई रहेगा। तीसरा था गणों की कुल संख्या लिखी है, तो जो गणों की कुल संख्या है वो आपकी 8 है। ठीक है, 8 आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा। चौथा आता हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है, तो इसमें आपका जाएगा कहानी। ठीक है, हिंदी गद्य की जो सर्वाधिक लोकप्रिय विधा वो आपकी कहानी है। प्रतिदिन में कौन सी समास है, तो आपका यहाँ पर प्रतिदिन में आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है, दुगु समास। ठीक है, प्रतिदिन में आपके यहाँ पर कौन सी समास है, तो आपका दुगु समास रहेगा। और छठवां आता कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था, तो इसका आपका रहेगा हालदार साहब। ठीक है, पहले का आंसर आप यहाँ पर दिख ली गोपियों के अनुसार राजा धर्म क्या है, तो इसका आंसर रहेगा नीति से राजा धर्म चलाना। रामचरितमानस का प्रमुख छंद आपका चौपाई रहेगा। गणों की कुल संख्या आपकी 8 है। हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है, कहानी। प्रतिदिन में कौन सी समास है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर दुगु समास। और कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था, तो इसका आंसर रहेगा आपका हालदार साहब।
अब चलिए आपके यहाँ पर सत असत देख लेते हैं। तो अद्वा का संदेश, गोपियों को गुड़ की तरह मीठे लगा, तो ये आपके यहाँ पर पहला हो जाएगा असत्य। दूसरा था वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, पहला असत्य रहेगा, दूसरा असत्य। तीसरा था अनियुक्ति अलंकार में, लोक सीमा को पार करके बड़ा चढ़ा का वर्णन होता है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सत्य। ठीक है, तीसरा आपका सत्य हो जाएगा। चौथा था कैप्टन चश्मे वाला आजाद हिंद फौज का सिपाही था, तो ये भी आपके यहाँ पर सत्य रहने वाला है। और नाटक गद्य की विधा नहीं है, तो ये आपके यहाँ पर पाँचवा हो जाएगा असत्य। ठीक है, पाँचवा आपका असत्य रहेगा। छठवां था क्रिया के वर्तमान काल में काम होने का पता चलता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आपके यहाँ पर असत्य रहने वाला, दूसरा आपका असत्य रहेगा, तीसरा आपका सत्य रहेगा, चौथा भी आपका सत्य रहेगा, पाँचवा आपका असत्य रहेगा, छठवां सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं, हमने पूरी आपके ऑब्जेक्ट करा दिए। अब प्रश्न पाँच आता, प्रगतिवाद की दो विशेषताएं लिखिए। ठीक है, प्रवृत्तियाँ लिखिए, आपको दो नंबर करेगा। अथवा आता रीति का श्रृंगाकार क्यों कहा गया, लिखिए। साथ ही इनके आंसर भी हम कराने वाले, वीडियो पूरा देखना। प्रश्न छः था सूरदास की दो रचनाओं के नाम एवं काव्य विशेषताएं लिखिए। अथवा आता गोस्वामी तुलसीदास की दो रचनाओं के नाम एवं काव्य विशेषताएं लिखिए। फिर आपका यहाँ पर आता सातवां क्वेश्चन, उद्भव की विभाव की तुलना किस किस से की गई है। अथवा आता गोपियों द्वारा उद्भव को भागवान करने में क्या व्यंग निहित है। प्रश्न आठ आता परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन तर्क दिए। अथवा आता लक्ष्मण ने विरुद्ध की क्या क्या विशेषता बताई। प्रश्न नौ आता चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण लिखिए। अथवा आता अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब प्रश्न दस आता महाकाव्य एवं खंडकाव्य में आपको अंतर लिखना है। आपका प्रश्न दस है, अब चलिए इसका आपका अथवा है। ठीक है, तो अथवा आपका यहाँ पर जो प्रश्न दस आता है, तो चलिए इसका अथवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका प्रश्न दसवें का, तो दसवां रस किसे माना गया, उदाहरण सहित लिखिए। फिर आपके यहाँ पर आता ग्यारहवां रिपोर्टाज किसे कहते हैं। और अथवा आता हिंदी साहित्य की दो निबंधकारों के नाम उनकी रचना लिखिए। प्रश्न बारह आता आत्मकथा और जीवनी दो अंतर लिखिए। अथवा आता कहानी उपन्यास में दो अंतर लिखिए, आपके दो दो नंबर के क्वेश्चन है। तेरहवां आता मंडू भंडारी की भाषा शैली एवं दो रचनाओं के नाम लिखिए। अथवा आता स्वयं प्रकाश की भाषा शैली एवं दो रचनाओं के नाम लिखिए। और प्रश्न चौदह आता भगत की पत्व दुना की लग क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। अथवा आता सेना होते हुए भी चश्मे वाले के लोग कैप्टन क्यों कहते थे। प्रश्न पंद्रह आता अर्थ के आधार पर वाक्य की भेद लिखिए। अथवा संधि की सेवा संधि की भेद लिखिए। सभी की स्क्रीन शॉट आप ले चलिए। और प्रश्न सोलह आपका यहाँ पर आता निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित करके लिखिए। मैं कल भोपाल जाऊँगी, प्रश्नवाचक वाक्य में आपको परिवर्तित करना, या आपका विद्यालय इसे आपको यहाँ पर निश्चित वाचक वाक्य में चेंज करना है। ठीक है, यानी परिवर्तित करना है। फिर आपका अथवा आता निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखिए। तो आपको आग का तारा होना और आग में घी डालना, इनके आपको वाक्य अर्थ लिखना, साथ ही वाक्य प्रयोग भी करना है। सत्रहवां क्वेश्चन आता माता का अंचल शीर्षक की उपयोगिता बताइए। अथवा आता बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। अब आपका प्रश्न 18 आता जिसमें आपको यहाँ पर यह आपका पद्यांश आता है, तो इसके आपको यहाँ पर संदर्भ प्रश्न सहित आपको व्याख्या लिखनी है। जल्दी से स्कैन के स्क्रीन जो स्क्रीन छोटे वो आप ले लीजिए। ये आपको पद्यांश दिया है, तो इसके आपको संदर्भ प्रश्न सहित व्याख्या लिखनी है। अब चलिए आपका यहाँ पर 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको 19वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित गद्यांश की पद्यांश की संदर्भ प्रश्न सही भावार्थ लिखिए। तो ये आपका गद्यांश आता है, तो इसकी आपको संदर्भ प्रश्न सही व्याख्या लिखनी है, जल्दी से देख लीजिए। फिर 20वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित विषयों पर अनुच्छेद लिखिए। मेरा जीवन का लक्ष्य अथवा आता विज्ञापन लिखन से क्या आशा है। ठीक है, आप यहाँ पर देते हैं, अगर आप ऊपर निबंध अथवा कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है जिसमें आपके यहाँ पर आता है काव्यांश, तो इसे आपको पढ़ लेना। और इसके आपके तीन क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको इसी मिलने वाले हैं। सिर्फ आपको काव्यांश को ध्यान से पढ़ना, आपका चार नंबर का क्वेश्चन रहेगा 21वां क्वेश्चन। और फिर आपका अगर आपसे काव्यांश नहीं बनता तो आपका गद्यांश आता, तो गद्यांश को आपको पढ़ना ध्यान से। इसके तीन क्वेश्चन आते हैं। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए, यथार्थ मनुष्य किसे कहते हैं, और उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। फिर आपका 22वां क्वेश्चन आता है विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अथवा आता परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। और 23वां और लास्ट आखिरी क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर आपको एक यहाँ पर रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना। ठीक है, तो इस तरह से आपका जैसे दसवीं का यहाँ पर हिंदी का पूर्व पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और आप यहाँ पर देख लीजिए साथियों, इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो जाइए आप यहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप है ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरी पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टेक इन, बाय बाय।